हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल LWD जॉब में। अजीम प्रेम जी फाउंडेशन की तरफ से हर वर्ष जो है शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। परमानेंट पोस्ट रहती है, 4 राज्यों से स्कूल टीचर्स की वैकेंसी आई है। सीटेट या टेट बिल्कुल नहीं मांगा गया है। 9 राज्यों से रिसोर्स पर्सन की वैकेंसी निकाली गई है। सैलरी 40,000 से लेकर 70,000 तक यहाँ पर रहती है। तो जैसे ही यहाँ से इन्फॉर्मेशन आती है वैकेंसी की, आप लोगों तक वीडियो पहुँचाया जाता है। मेरी उन कैंडिडेट से रिक्वेस्ट है जिनका यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है, अपना अनुभव जरूर बताएं, क्योंकि और भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं तो उनको इस बारे में पता लग सके किस तरीके से इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे, कैसे जो है आपने अप्लाई किया, अभी जो है फिलहाल आप लोगों का वहाँ पर कैसे जो है वो काम हो रहा है, सैलरी वगैरह सारी चीज़ें जो है अगर कोई भी कैंडिडेट पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ जो है उनको भी जो है हेल्प करें। तो यहाँ से जो है वैकेंसी हर वर्ष आती है, तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले जो है मेन वेबसाइट पर चलेंगे, अजीम प्रेम जी फाउंडेशन। तो जैसे ही आप लोग मेन वेबसाइट पर आएंगे अजीम प्रेम जी फाउंडेशन की, अभी मैं आप लोगों को बता दूं कि स्कूल टीचर और रिसोर्स पर्सन का जो सिलेक्शन ये करते हैं गवर्नमेंट स्कूल के लिए ही करते हैं, ठीक है, ताकि लर्निंग प्रोसेस जो है बढ़ाई जा सके इन स्कूल्स में और एजुकेशन जो है उसमें इम्प्रूवमेंट किया जा सके। तो यहाँ पर जो है करियर सेक्शन आप लोगों को नजर आएगा, इस पर क्लिक करना है। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम कैंडिडेट कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। 30 मार्च 2024 जो है लास्ट डेट रहेगी। कैसे सिलेक्शन होगा ये भी यहाँ पर आप लोगों को जानने को मिलेगा। टू नो मोर एंड अप्लाई फॉर द रिसोर्स पर्सन पोजिशन, अगर आप रिसोर्स पर्सन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले जो है यहाँ पर किस राज्य से वैकेंसी है और क्या मांग रहे हैं ये क्लिक हेयर, इस पर क्लिक करेंगे। स्कूल टीचर पोजिशन के लिए यहाँ पर क्लिक हेयर। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, तो ये सारी प्रोसेस जानने के लिए थर्ड नंबर पर, ठीक है। अब एक एक करके जो है हम देख लेते हैं। सबसे पहले रिसोर्स पर्सन पोजीशन के लिए देख लेते हैं किस राज्य की वैकेंसी है। तो यहाँ पर नीचे आप फाइंड अपॉर्चुनिटी, इसमें नीचे देखेंगे टोटल 9 अपॉर्चुनिटीज फाउंड। रिसोर्स पर्सन छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान। दोबारा से जो है राजस्थान, इसमें अलवर, पुदुचेरी, कर्नाटका, ठीक है। और लास्ट डेट जो है 30 मार्च है, ध्यान रखिएगा। रिसोर्स पर्सन का क्या काम रहेगा, तो यहाँ पर लिखा है एजुकेशन फील्ड में ही जो है काम करना है गवर्नमेंट स्कूल में। एट अवर फील्ड इंस्टीट्यूट वी आर लुकिंग फॉर रिसोर्स पर्सन हु कैन वर्क विद अस टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस विद इन गवर्नमेंट स्कूल। तो यहाँ पर टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस, तो क्वालिटी में जो है इम्प्रूवमेंट लाना, तो ऐसे ही रिसोर्स पर्सन की आवश्यकता है इनको गवर्नमेंट स्कूल में जो है काम कर सके, आगे बढ़ा सके, क्रिएटिव माइंड वाले कैंडिडेट की, ठीक है। अभी सिलेक्शन कैसे करेंगे वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। नेक्स्ट जो वैकेंसी है जो कि स्कूल टीचर्स की है, अजीम प्रेम जी स्कूल आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ अवर विजन फॉर इम्प्रूविंग K-12 एजुकेशन इन इंडिया। 12 तक के जो स्कूल्स हैं सरकारी स्कूल, इनमें आप लोगों को भेजेंगे अगर सिलेक्शन होता है तो। यहाँ पर आप लोगों को एजुकेशन को और भी अच्छा जो है और भी बेहतर बनाना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है पार्टिसिपेट कर सकें, हर काम को कर सकें वो जो सीखने से संबंधित होते हैं। तो बस यही जो है टीचर्स का काम रहेगा 12 तक के स्कूल्स के लिए। फाइंड अपॉर्चुनिटी में नीचे आप देखें टोटल 4 अपॉर्चुनिटीज फाउंड। उत्तराखंड, इसमें उधम सिंह नगर उत्तराखंड और उत्तरकाशी उत्तराखंड। छत्तीसगढ़ में धमतरी। राजस्थान में 3 हैं जिले, टोंक, सिरोही एंड बाड़मेर। तो पहले भी जो है वैकेंसी राजस्थान में इन 3 ही जिलों से आई थी। नेक्स्ट जो है कर्नाटका से जो वैकेंसी है यादगीर और काला बुरागी से, ठीक है। तो यहाँ पर जो है उत्तराखंड के लिए ये 16 मार्च 2024 से स्टार्ट हो चुके हैं, अप्लाई कर रहे हैं कैंडिडेट। अब चलिए एक को ओपन करके देख लेते हैं कि यहाँ पर क्वालिफिकेशन वगैरह क्या मांगी जा रही है। तो स्कूल टीचर राजस्थान, इस पर क्लिक कर लेते हैं।
अब यहां पर देखें आप, अजीम प्रेम जी स्कूल बाड़मेर में है, अपर प्राइमरी इंग्लिश के लिए, अजीम प्रेम जी स्कूल टोंक अपर प्राइमरी इंग्लिश के लिए एंड प्राइमरी मैथमेटिक्स के लिए। तो सब्जेक्ट आप देख लें, ये आपका सब्जेक्ट है तो अप्लाई कर देंगे। अजीम प्रेम जी स्कूल सिरोही प्री प्राइमरी के लिए और प्राइमरी इंग्लिश के लिए, ठीक है। ये तो सब्जेक्ट मैंने आप लोगों को बता दिया। अब जो है क्वालिफिकेशन देख लें आप, बैचलर डिग्री इन योर सब्जेक्ट एंड टीचिंग डिग्री बीएड या डीएड या डीलेड आपने किया हो, विद एटलीस्ट 2 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस, 2 साल का कम से कम जो है अनुभव भी मांग रहे हैं, एबिलिटी टू टीच इन इंग्लिश और लोकल लैंग्वेज, ठीक है। अब राजस्थान के हैं तो राजस्थानी जो लोकल लैंग्वेज है और इंग्लिश जो है इसमें आप पढ़ाएंगे। सिलेक्शन प्रोसेस जो है यहां पर लिंक दिया हुआ है सिलेक्शन प्रोसेस का, इस पर क्लिक कर लेंगे, ठीक है। तो 3 जगहों से वैकेंसी है राजस्थान में, यहां पर अप्लाई का ऑप्शन है, इस पर अप्लाई करना है। ये देखिए पर्सनल डिटेल आपको फिल करनी है, एड्रेस फिल करना है, परमानेंट एड्रेस, क्वालिफिकेशन जो भी है आपकी वो आप यहाँ पर, आपने केवल ग्रेजुएशन किया है या पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, ठीक है, ये सारी चीजें आप फिल कर लेंगे। कौन सी लैंग्वेज जो है इनमें से कौन सी लैंग्वेज आप जानते हैं, हिंदी इंग्लिश तो जानते ही हैं, इस तरीके से जो है सबमिट करना है। तो ये एक का मैंने आप लोगों को बता दिया है। इसी तरीके से जो है जिस भी राज्य के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, जो यहाँ दिए हैं उत्तराखंड के लिए अगर आप करना चाहते हैं तो ये जो बॉक्स है इसी पर क्लिक करना है और इस तरीके से अप्लाई करने का ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। चाहे आप स्कूल टीचर्स के लिए अप्लाई करना चाहें या फिर रिसोर्स पर्सन के लिए अप्लाई करना चाहें। रिसोर्स पर्सन के लिए देख लेते हैं क्वालिफिकेशन क्या मांग रहे हैं। तो ये राजस्थान की जो वैकेंसी है इसी बॉक्स पर जो है क्लिक कर लेते हैं। 1 मार्च को जो है यहाँ पर डाल दिया गया था। तो यहाँ पर जो है एलिजिबिलिटी ये देखें आप, ग्रेजुएशन विद मिनिमम 5 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस, आपके पास जो है स्नातक होनी चाहिए, 5 साल का टीचिंग अनुभव होना चाहिए या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए और 2 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, और कैंडिडेट विद रेलिवेंट ऑन फील्ड एक्सपीरियंस इन द सोशल सेक्टर में ऑल्सो अप्लाई। जिनको पहले से कुछ अनुभव है सोशल सेक्टर में काम करने का तो वो तो बिल्कुल अप्लाई कर ही दें। हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज जो है यहाँ पर इन्होंने कहा है, ठीक है। तो यहाँ वी हैव जॉब ओपनिंग इन छत्तीसगढ़ झारखंड मध्य प्रदेश एंड राजस्थान, तो ये बिल्कुल ओपन है। बाकी और भी राज्य की जो है आप लोग अप्लाई करना चाहेंगे जो मैंने आप लोगों को बता दिया है। टीचिंग एक्सपीरियंस जो है यहाँ पर वहां पर भी मिनिमम 2 वर्ष का मांग रहे थे और यहाँ पर भी जो है आपसे कम से कम 2 साल का अनुभव जो है पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट से मांग रहे हैं और ग्रेजुएशन जिन्होंने किया हुआ है 5 साल का मांग रहे हैं। अप्लाई यहाँ पर आप कर सकते हैं। तो पूरा प्रोसेस मैंने आप लोगों को बता दिया है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो ये थर्ड नंबर पर है सिलेक्शन प्रोसेस फॉर फील्ड पोजीशन स्कूल टीचर एंड रिसोर्स पर्सन, इस पर आप क्लिक कर लेंगे। तो ये सिलेक्शन प्रोसेस जो है क्या रहेगा, सबसे पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको फिल करना है, मैंने आप लोगों को जो दिखा दिया है। उसके बाद जो है शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा आपको, आपका नाम आएगा, आप ईमेल एड्रेस जरूर देंगे वहां पर अपना, रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद जो है रिक्रूटर स्क्रीनिंग होगा, नेक्स्ट मल्टीपल इंटरव्यूज रहेगा, ऑफर इज मेड टू सिलेक्टेड कैंडिडेट, ठीक है। और जहां भी आपका सिलेक्शन होगा ये आपको पता लग जाएगा। तो ये प्रोसेस रहेगी। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा गलत बता दिया कि 30 मार्च लास्ट डेट है, 30 मार्च जो है टेस्ट की डेट है, ऑनलाइन टेस्ट की डेट है। दोबारा से सुन लें, नेक्स्ट ऑनलाइन टेस्ट फॉर स्कूल टीचर्स एंड रिसोर्स पर्सन 30 मार्च 2024 सैटरडे, लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की 23 मार्च 2024 है, ठीक है। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है बोलने में,
तो 23 मार्च जो है लास्ट डेट रहेगी, इसके बाद जो है आप अप्लाई करेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। जो भी कैंडिडेट अप्लाई करते हैं शॉर्टलिस्टेड किया जाता है, क्योंकि जो डिमांड ये करते हैं उनको पूरा करते हैं, तो शॉर्टलिस्टेड बिल्कुल ये करते हैं। अगर आपका फॉर्म सही से भरा होता है उनको रिटर्न टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है? तो रिटर्न टेस्ट भी होगा और इंटरव्यू होगा, उसके बाद जो है आपका सिलेक्शन होगा। तो चलिए ऐसी ही वैकेंसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।